नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र चौधरी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जेके एडुटेक में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में। जी हां दोस्तों, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में आज पूरी की पूरी बाजी जो है पलटती हुई नज़र आ रही है। जो लोग पहले वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को बोलते थे कि एक सिंगल डिजिट में आ जाएगा, ये तो दिवालिया घोषित कर देगा, ये बिक जाएगा, इसमें सारा पैसा डूब जाएगा, आज वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने उन सारी अफवाहों को जो है खारिज करते हुए जो है एक फिर से जो है पलटी मारी है। आप बोल सकते हैं कि जो बाजी थी वो पलट गई है, और जिन लोगों ने बेच दिया है वो तो आज पछता रहे होंगे, लेकिन जो लोग होल्ड किए हैं, आशा बनाए हुए हैं, उम्मीद रखे हैं, उनको निश्चित तौर पे जो है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में एक बढ़िया रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलता हुआ दिखेगा। तो बने रहिए जेके एडुटेक के साथ। आज की जो लेटेस्ट न्यूज है दोस्तों, इस बारे में डिस्कस करेंगे और आगे जानेंगे इस वीडियो में कि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। वोडाफोन आइडिया रीपेमेंट एश्योरेंस लिफ्ट बॉन्ड। वोडाफोन आइडिया ने आज जो सबसे बड़ी न्यूज है दोस्तों कि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने आज अपना रीपेमेंट किया है एश्योरेंस लिफ्टेड बॉन्ड का। एश्योरेंस लिफ्टेड बॉन्ड एक प्रकार का बॉन्ड होता है, और इस वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के जो बॉन्ड होल्डर थे उनको जो है यहाँ पर वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने 674 करोड़ का जो है हैंडओवर किया है। 674 करोड़ की का बॉन्ड था, उनको जो है पैसा मिल चुका है। और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड अब पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड लगातार अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है, चाहे वो बॉन्ड के क्षेत्र में हो, फंड के क्षेत्र में हो, नेटवर्क के क्षेत्र में हो, सभी जगह जो है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड जो है सुचारू रूप से यहाँ पर काम करता हुआ नज़र आ रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स ऑफ इंडिया को एक रिपोर्ट बताई गई है, जिसमें बताया गया है कि जो इसके बॉन्ड निवेशक हैं, यानी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के जो बॉन्ड शेयर होल्डर हैं, जिन्होंने इसके बॉन्ड को परचेज किया है, उनको विदाउट सिंगल डे डिले, ये जो लाइन आपको दिख रही है पास्ट विदाउट सिंगल डे डिले, मतलब एक भी दिन जो है अधिक हुए बिना जो है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड जो है उनको पेमेंट कर देता है। तो आप सोच सकते हैं कि जो इसके बॉन्ड होल्डर हैं उनका भरोसा वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में किस प्रकार से बना हुआ है। बीच में एक न्यूज़ आई थी कि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने जो इसके सब्सक्राइबर थे, जो सब्सक्राइबर गेन हुआ था 1.7 मिलियन का, तो वहाँ पर वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने कहा था कि ये रिपोर्ट थोड़ी सी इनकरेक्ट है, इसको सुधार करके जो है ट्राई को सबमिट करेंगे। तो फ्राइडे के दिन बहुत से लोगों ने बताया था कि अब तो ये डूब जाएगा, क्योंकि अब वोडाफोन आइडिया लिमिटेड तबाह हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, मैं यही बार बार कहता हूँ कि न्यूज़ का असर थोड़े दिन के लिए होता है, लेकिन जो निवेशक होता है उसकी निगाहें, उसका टारगेट लंबे टारगेट पर होता है, क्योंकि न्यूज़ का प्रभाव थोड़े टाइम के लिए होता है। थोड़ा सा आपको दुख होगा, लेकिन बाद में जो है वही चीज़ें आपको बेनिफिट करेंगी। तो जीएम फाइनेंशियल के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, मंगोलिया ग्रुप के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा है कि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड रेडी है बॉन्ड्स के पर्पज़ से, और जो इसका सेकेंडरी मार्केट है दोस्तों बॉन्ड की फील्ड में, वोडाफोन आइडिया पेपर सेट इल्ड हाई एज 42.9 इन अक्टूबर 29, यानी 2019 में वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का जो बॉन्ड इल्ड था वो 42.90 रुपये था। तो आप सोच सकते हैं कि इसके जो रिकॉर्ड हैं, इसमें रिकॉर्ड फॉर बॉन्ड इन्वेस्टर, यानी कि कंपनी जो है कोई भी अपना डिफ़ॉल्ट रिकॉर्ड नहीं रखना चाहती है, और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड लगातार जो है अपने आप को नीट एंड क्लीन करने की कोशिश कर रहा है। और यही कारण है कि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में मुंबई बेस्ड के जो म्यूचुअल फंड्स हैं, जो प्राइवेट बैंक हैं, उन्होंने भी हाई नेटवर्क के थ्रू जो है यहाँ पर वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में अपने फंड को निवेश किया है। तो आप सोच सकते हैं कि जो प्रमोटर्स की इतनी बड़ी होल्डिंग है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में, तो ये दिवालिया इतनी आसानी से नहीं घोषित कर सकता अपने आप को। और जो लोग ये मार्केट में अफवाहें फैला रहे हैं कि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड डूब जाएगा, मैं उनको बता देना चाहूँगा कि आप जो है एक बार वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के जो फ्यूचर प्रोजेक्ट है उसको देखिए कि उसमें किस प्रकार से काम हो रहे हैं। जो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के, जैसे वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के जयदीप सेन हैं, उन्होंने कहा है कि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड अपने इन्वेस्टर, यानी कि जो इसके निवेशक हैं, उनसे बातचीत करने की तैयारी बना रहा है, और उनको जो है कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा वोडाफोन आइडिया लिमिटेड जो है फंड जो है रेज करने की कोशिश कर रहा है। अब जो फंड रेज किया जाएगा वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में 10,000 करोड़ का, वो कन्वर्टिबल इंस्ट्रूमेंट, यानी कन्वर्टिबल इंस्ट्रूमेंट के जरिए जो है 10,000 करोड़ का फंड जो है यहाँ पर रेज किया जाएगा वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में।
तो ऐसा नहीं कि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड बिल्कुल चुप बैठा है। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने इसके सिलसिले में, फंड रेज के सिलसिले में, यूएसए की कंपनी इक्विटी प्लेयर्स जो हैं इंक्लूडिंग केकेआर सर्कल ग्रुप से भी बात कर रहा है कि 14,500 से लेकर 18,100 करोड़ यानी 2 मिलियन डॉलर से लेकर 2 बिलियन डॉलर से लेकर जो है 2.5 बिलियन डॉलर के करीब में जो है फंड जो है ईटी बॉन्ड के जरिए जो है फंड जो है इकट्ठा करने की बात कर रही है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। और इसके सिलसिले में ओ के के आर ग्रुप से बात चल रही है, हालांकि ओ ए के कैपिटल से बात हो रही थी लेकिन ओ ए के कैपिटल ने यहाँ पर कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं दिया। और वही कारण है कि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड 13 रुपया अपना अपर सर्किट बनाया, लेकिन उसके बाद जो है लगातार आपको गिरावट पे गिरावट जो है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में देखने को मिल रही है। अभी भी बहुत से निवेशक ऐसे हैं जो 11 रुपये 12 रुपये पे इसको बाइंग किए हैं और वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपने वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को कितने रुपये पे बाय करके रखा है और यदि आपने इसको एवरेज किया है तो आपकी एवरेज प्राइस कितनी हो रही है। देखिए वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में जो पैसा आपने निवेश किया है उसका तो रिटर्न आपको मिलेगा, लेकिन अचानक से इसमें कुछ नहीं होगा, इसमें टाइम लगेगा क्योंकि चीज़ें परिवर्तन होने में टाइम लगती है। और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड लगातार अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है और आज जिस प्रकार से मार्केट में गिरावट थी, बैंक निफ्टी भी डाउन था, सेंसेक्स भी डाउन था, लेकिन उसके बावजूद निफ्टी 50 भी डाउन था, लेकिन उसके बावजूद जो है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में 4% की शानदार तेज़ी जो है मार्केट ओपनिंग से ही आपको देखने को मिल रही थी। तो आप क्या सोच रहे हैं कि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड जो है डूब जाएगा? बिल्कुल नहीं डूबेगा दोस्तों, क्योंकि अगर इसको डूबना होता तो ये जो है अपने नेटवर्क स्ट्रक्चर पर काम नहीं करता और नए नए प्लान लॉन्च नहीं करता। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था दोस्तों कि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड अब जो है व्हाट्सएप के जरिए जो है रिचार्ज बिल पेमेंट करेगा। यदि आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक है और जो है वीडियो वाले में जाकर आप देख सकते हैं कि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने एक नई शुरुआत की है कि जो इसके कस्टमर्स हैं, जो इसके सब्सक्राइबर्स हैं, उनको ये सुविधा देने की बात कह रहा है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड कि वो जो हैं अपने व्हाट्सएप के थ्रू जो है अपना बिल पेमेंट रिचार्ज कर सकते हैं। और यदि आप इसके कैंडल स्टिक चार्ट को देखें, वनडे के चार्ट को देखें, तो ऐसा पहली बार नहीं है कि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड 10 रुपये के नीचे आया। पिछले 1 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करें तो 5वीं बार ऐसी घटना है जो 12.5 यानी तकरीबन 13 रुपये के लेवल को टच करके फिर से वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में गिरावट आई और जो 7.5 रुपये के नीचे नहीं गया है। तो आप सोच सकते हैं कि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड अभी इसमें टाइम लगेगा क्योंकि 5G नेटवर्क आने वाला है और ये महीना खासकर टेली कम्युनिकेशन कंपनियों के लिए, चाहे वो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड हो, भारतीय एयरटेल हो, रिलायंस जियो हो, सबके लिए जो है एक स्ट्रेस भरा माहौल रहेगा क्योंकि इसी महीने में जो AGR की जो धनराशि होती है एडजस्टमेंट ग्रॉस रेवेन्यू का, उसे जो है डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन को पे करना पड़ता है सारी टेली कम्युनिकेशन कंपनियों को। तो थोड़ा सा प्रेशर यहाँ पर वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के ऊपर भी रहेगा, तो इसमें आपको घबराने की बात नहीं है। बात करें आज के ट्रेडिंग सेशन में तो 5 पैसे का गैप डाउन ओपनिंग हुआ, 9 रुपये 70 पैसे से ओपन हुआ, 10 रुपये 15 पैसे का इसने अपना हाई बनाया, 9 रुपये 55 पैसे आज का लो रहा और 10 रुपये 5 पैसे पे वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने आज अपनी क्लोजिंग दी। तकरीबन 3.08% के साथ जो है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड जो है आज क्लोज होता हुआ आपको दिखाई दिया। लेकिन आज जो ये डेटा है, जो आज इसके कारोबार जो हुआ है वो भी देखते हैं। आज की डेट में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE पर 11,95,71,162 की क्वांटिटी में शेयर ट्रेड किए गए हैं, जिनमें से 4,75,80,521 की क्वांटिटी में वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में शेयर्स की डिलीवरी उठाई गई है। तकरीबन 39.79%, आप मोटा मोटा बोल सकते हैं कि 40% के करीब में जो है यहाँ पर माल उठाया गया है। और ये जो माल वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में जो शेयर्स की बाइंग हो रही है, ये आप क्या सोच रहे हैं कि ये लोग शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग कर रहे हैं? नहीं, इन लोगों को जब जब डीप मिलता है, क्योंकि मार्केट का जो बड़ा प्लेयर है वो मौका देख के किसी शेयर्स में बाइंग करता है, आपकी तरह हमारी तरह जो है भेड़ चाल नहीं चलता। हम लोग क्या करते हैं, कोई न्यूज आ गई कि इसमें रैली बन गई, हम खरीद लेते हैं, और जब गिरावट आती है, जब खरीदने का टाइम आता है तो हम नहीं खरीद पाते हैं। लेकिन जो मार्केट का बड़ा प्लेयर है वो हर गिरावट में खरीदता है और जब बढ़ता है तो धीरे धीरे करके जो है उसको सेल करता है।
तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर समझ में आया होगा और ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो जरा सा भी पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक जो है हमें मोटिवेट करता है। यदि आपके पास कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उसका उत्तर देने का पूरा प्रयास करेंगे। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल वाले आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी नोटिफिकेशन आए तो आप उसका वीडियो देख सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का धन्यवाद।